Hello students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to do the third part of lesson. Does it look the same? Now, कल मैंने आपको पिछले पार्ट में मैंने आपको सिखाया किस तरह राजा ने ओपन और क्लोज लॉक्ड लॉकर के बारे में मैंने आपको कल बताया था. आज द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स. चेक इफ ऑन गिविंग दैम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दीज टू. अब यहाँ पर राजा के पास सिर्फ एक ही लॉकर ऐसा नहीं था, उसके पास बहुत सारे ऐसे लॉकर थे जिस पर वो ओपन और क्लोज करने पर कंफ्यूज हो जाता था. तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम लोग डॉट करेंगे ताकि वो कंफ्यूज ना हो, जिस तरह यहाँ पर राजा की बेटी ने डॉट करके दिया था तो उसको समझ में आ गया किस तरह से ओपन और किस तरह से लॉक होता है लॉकर. तो सी हियर, मैंने यहाँ पर एक सेम ये लॉकर का हैंडल बनाया है और यहां पर मैंने इसको एक ब्लैक डॉट दे दिया है. तो जब ये ऊपर की तरफ होगा तो ये होगा ओपन और इसको हाफ टर्न देने पर ये 1/4 टर्न और ये हाफ टर्न, हाफ टर्न देने पर ये हो जाएगा क्लोज्ड. समझ में आया ये? और सिमिलरली एक और लॉकर का भी पिक्चर मैंने बनाया है. सी हियर, इसमें भी ऐसा ही होगा. ये कुछ पिक्चर इस तरह से होता है. तो ये यहां पर जब होगा तो ये ओपन हो जाएगा और इसको हाफ टर्न देने पर ये क्लोज हो जाएगा. अंडरस्टूड? नाउ सेम आफ्टर हाफ टर्न. गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर ए हाफ टर्न. अब यहां पर मैंने कुछ शेप्स बनाई है. सी, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हाफ टर्न देने पर क्या वो एक जैसा ही दिखेगा फिगर? तो हम देखते हैं. ये हो गया 1/4 टर्न और ये हो गया हाफ टर्न. तो क्या ये स्क्वायर वैसा ही दिख रहा है? यस. नाउ रेक्टेंगल का शेप, सी योर दिस वन, ये है रेक्टेंगल का शेप. अब इसको जब मैं 1/4 टर्न देती हूं तो इट विल लुक लाइक दिस. सी, ऐसा होगा 1/4 टर्न. और जब हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम वैसा ही दिखेगा, या इसके जैसा ही सेम दिखेगा. ओके, सर्कल भी सेम ऐसा ही दिखेगा. दिस वन, ये अगर इसको इस तरह से खड़ा कर देंगे हम लोग, 1/4 टर्न ऐसा होगा और हाफ टर्न ये इस तरह से होगा तो इट विल लुक द सेम. नाउ ट्राइंगल, सी योर ट्राइंगल, इस तरह से ट्राइंगल अगर 1/4 टर्न देंगे तो वो इस तरह से दिखेगा और हाफ टर्न देंगे तो वो इस तरह से दिखेगा. अब देखो, ये तो इस तरह का होना चाहिए और ये इस तरह का है, इसका मतलब हाफ टर्न पे ट्राइंगल एक जैसा नहीं दिखेगा. ओके, अब ये वाला फिगर भी अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये हाफ टर्न में बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह ही दिखेगा और ये वाला अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इसलिए ये एक जैसा हाफ टर्न पे नहीं दिखेगा. नाउ डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? इफ येस देन देर इज अ वे टू चेक योर गेस. हियर्स हाउ यू कैन कट एंड यू कैन डू इट. देखो इसने क्या किया है, यहां पर पहले ट्रेस कर दिया है और फिर उसको हाफ टर्न देकर इस तरह से कुछ देखा है तो ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है हाफ टर्न पे, लेकिन मैंने कुछ अलग किया है तो हम दोनों वेज की वेज में कर सकते हैं. नाउ प्रैक्टिस टाइम. फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ ए टर्न. तो मैंने कुछ अल्फाबेट्स पे ट्राई किया. सी, यहां पर ओ, ओ को अगर हम हाफ टर्न देखे, ये 1/4 टर्न और ये है हाफ टर्न, तो ओ एग्जैक्टली सेम दिख रहा है. नाउ वन मोर लेटर जेड, अगर जेड को ये 1/4 टर्न दिया और ये हाफ टर्न दिया तो जेड एग्जैक्टली जेड के जैसे ही दिख रहा है. ओके, इस तरह से. और कौन से अल्फाबेट्स हैं जो एक जैसे ही दिखेंगे? तो वो है एच, आई, एन, ओ, एस एंड जेड. ये अल्फाबेट्स हाफ टर्न पे एक जैसे ही दिखेंगे. देखो यहां पर ये ए है तो ए को अगर मैं हाफ टर्न देती हूं, ये 1/4 टर्न हो गया और ये हाफ टर्न हो गया तो ए उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ए हाफ टर्न पे एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेगा. सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट कौन से वर्ड्स हैं, एच, आई, एन,
ओ एस एक्स एंड जेड, ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप टर्न पे ये अल्फाबेट्स बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे। नाउ विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ ए टर्न, तो अगर हम इसको हाफ टर्न में करेंगे तो कौन से वर्ड्स इसमें से सिमिलर दिखेंगे। जूम, अगर हम जूम को टर्न करेंगे तो एम यहां से सेम नहीं दिखेगा, एम ओ डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू जो हो जाएगा वो एम दिखेगा और एम जो हो जाएगा डब्ल्यू दिखेगा, इसलिए ये सेम दिखेगा। एस डब्ल्यू आई एम एस, तो मैंने आपको बताया देखो एस आई एम क्योंकि डब्ल्यू जैसा दिखेगा और डब्ल्यू एम जैसा दिखेगा, इसलिए ये भी एक जैसा दिखेगा हाफ टर्न पे। एस आई एस एन डबल ओ एन नून, ये सारे वर्ड्स जब हम हाफ टर्न करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम दिखेंगे। गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, अब लेटर्स का तो यहाँ पे कम्प्लीट हो गया, अब नंबर्स का है, 0 to 9 में से कौन से नंबर्स एग्जैक्टली सेम दिखेंगे जब उनका हाफ टर्न होगा, तो इट विल बी 0, 0, 1, 8। थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, तो हमको ये तीन नंबर्स लेके ही 2 digit, 3 digit और 4 digit के नंबर्स बनाने हैं। सो 1 इज रिटर्न फॉर यू, 2 digit नंबर का 1, 1, हम इसको टर्न करेंगे तो भी ये एग्जैक्टली सेम होंगे। नाउ 0, 0, मैंने आपको 0 करके दिखाया कि टर्न करने पर किस तरह से एग्जैक्टली सेम होता है। सिमिलरली 8, 8 को भी हम टर्न करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा। सी देखो, मैं ये 1 foot टर्न और ये है हाफ टर्न, अब मैं इसको टर्न कर दिया तो भी ये वर्ड ये हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। देखो 818, 808, 181, ये जो नंबर्स हैं उनको अपसाइड डाउन यानी हाफ टर्न करने पर भी एग्जैक्टली सेम दिखेंगे। नंबर 80, सो हियर विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, अब ये पिक्चर्स कुछ दी हुई है, यहाँ पर हमको बताना है कौन सी पिक्चर्स हाफ टर्न करने पर सेम दिखती है। सो मैंने आपको क्या समझाया था हाफ टर्न कैसे होता है, सो दिस इज 1/4 टर्न एंड दिस इज हाफ टर्न। अब देखो आप कौन सी पिक्चर्स एक जैसी दिखती है हाफ टर्न करने पर, तो ये ए वाली पिक्चर सेम दिखती है, ये बी वाली पिक्चर में ये देखो व्हील चेयर है तो ये उल्टा हो गया, पर्सन जो बैठा हुआ है ये उल्टा हो गया, सो दिस इज नॉट द सेम। ये सी एग्जैक्टली सेम दिखती है हाफ टर्न करने पर भी। डी, इसमें पी जो सीधा था वो उल्टा हो गया, तो दिस इज नॉट द सेम। ई, जो एरो नीचे था, जो एरो ये नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर वाला एरो, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द सेम। एफ, इट इज एग्जैक्टली सेम। नाउ जी, ये वाला भी ये पोर्शन जो नीचे था वो इस तरफ हो गया है, सो दिस इज नॉट द सेम। एच, दिस इज द सेम क्योंकि दोनों तरफ सेम ही पिक्चर था। नाउ हियर सम एक्टिविटी इज गिवन, आपको ये एक्टिविटी देखकर विंड मिल बनाना है, इस तरह से कुछ आपका विंड मिल बनेगा। ये आई थिंक सो आपको ड्रॉइंग सर ने आपको पहले से ही सिखा रखा है विंड मिल बनाना, सो लेट अस आंसर दिस। डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ ए टर्न, तो यस, क्योंकि ये सारे ये जो बने हुए हैं इसके विंग्स ये एक जैसे ही हैं और कलर भी इक्वली है, इसीलिए ये 1/4 टर्न पर एक जैसा ही दिखेगा। इवन इसको हाफ टर्न जब करेंगे तो भी ये एक जैसा ही दिखेगा। नाउ 1/4 टर्न, डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न, क्या ये वाला फैन 1/4 टर्न करने पर सेम दिखेगा। ये सेम दिखेगा क्योंकि ये सारा ब्लू कलर का है, ये फैन के जो ब्लेड्स है वो सारे ब्लू कलर के हैं, इसीलिए ये 1/4 टर्न करने पर भी एक जैसे ही दिखेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज, विल दिस फैन लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, ड्रॉ इन द येलो बॉक्स। ये वाला फैन अगर ये दो ब्लेड येलो कलर के हैं और दो ब्लू कलर के हैं तो 1/4 टर्न करने पर क्या ये सेम दिखेंगे, तो मैंने ऐसा कुछ इसको बनाया है प्लेन शीट पर। ये सी हमारा सेम फिगर दिख रहा है, ये ऐसा अगर हम इसको 1/4 टर्न करते हैं, सी यहाँ पर 1/4 टर्न कर दिया तो क्या हो गया, ये ब्लू वाले ब्लेड इस तरफ आ गए और येलो वाले ब्लेड इस तरफ आ गए ऊपर की तरफ, सो ये 1/4 टर्न करने पर सेम नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड, ये जो ब्लू था वो येलो ऊपर हो गया, जो ब्लू इस तरह से हमारा ड्रॉइंग किया हुआ था 1/4 करने पर ये इस तरह से हो गया, सो ये एक जैसा नहीं दिखेगा।
Now practice time. Among the following shapes, find out which one would look the same after 1/4 turn. Put a right. Put a wrong on the shapes that would not look the same after a half turn. 1/4 turn करने पर same जो दिखेंगे उस पे टिक करना है और जो half turn करने पर एक जैसे नहीं दिखेंगे उसको wrong करना है. तो मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया था कि ये ट्राइंगल अगर हम इसको 1/4 टर्न करेंगे, सॉरी ये हाफ टर्न करने पर क्रॉस करना है, तो अगर ये ट्राइंगल को हाफ टर्न करेंगे यानी कि बुक को अपसाइड डाउन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं दिखेगा. नाउ इस चीज को अगर 1/4 टर्न करेंगे, अगर मैं इस चीज को यू करती हूं 1/4 टर्न, सी ये ऐसा है और इसको 1/4 टर्न में करती हूं यू, तो भी ये ऐसा ही दिखेगा. नाउ थर्ड वन, ये हाफ टर्न करने पर एक जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि ये कुछ ऐसा है तो ये उल्टा हो जाएगा. ये स्क्वायर बना हुआ है, ये सारे एक जैसे हैं, तो इसको 1/4 टर्न करने पर ये सेम ऐसा ही दिखेगा. दिस ऑल्सो, इसको 1/4 टर्न करूंगी तो ये चीज यहां पर आ जाएगी और ये चीज ऊपर चली जाएगी, सो इट विल लुक द सेम. दिस ऑल्सो विल लुक द सेम. This will also look the same at 1/4 turn and this wheel will also look the same. क्योंकि ये सारा एक जैसा ही है. Understood? Now try and change the shapes in such a way that new shape remains the same on giving it a half turn. अब ये कुछ शेप आपकी बनी हुई है, अगर इसको हाफ टर्न करने पर भी सेम ऐसी ही शेप हमें बनानी है तो मैंने इस तरफ ये तीन ये स्क्वायर्स बना दूंगी तो ये एक जैसा दिखेगा अगर मैं हाफ टर्न करूंगी तो. यहां पर ये चीज बनी हुई नहीं थी तो यहां पर ऐसा ब्लू का सर्कल बना देंगे तो ये सेम दिखेगा जब हम उसको टर्न करेंगे. यहां पर सर्कल नहीं था तो ऐसा सर्कल अगर यहां पे ड्रॉ कर देंगे तो सेम इट विल लुक सेम. ये वाला ट्राइंगल अगर इस तरह से ऊपर वाला ट्राइंगल को अगर मैं इसको घुमा दूंगी तो ये दोनों एक जैसे दिखेंगे जब मैं हाफ टर्न करूंगी तो. अंडरस्टूड? नाउ पेज नंबर 84. Draw what the following shapes would look like on 1/4 turn and a half turn. So see here, मैंने ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल अगर 1/4 टर्न करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा. देखो ये हो गया ये 1/4 टर्न, तो ये इस तरह से शेप आया इसका, और ये जब होगा हाफ टर्न तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. अंडरस्टूड? तो ये मैंने पहले से ही इसमें ड्रॉ करके रखा हुआ है, आपको यहां पे सिखा रही हूं. ये स्क्वायर है, उसको 1/4 टर्न करेंगे तो इस तरह से आएगा और हाफ टर्न करने पर भी सेम इस तरह से आएगा. ये रेक्टेंगल है, इसको 1/4 टर्न करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा. सी ये हो गया सीधा, यू शेप मिलेगा इसका कुछ, और फिर अगेन इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये वापस ऐसा हो जाएगा. ये वाला शेप है जो इसको जब 1/4 टर्न करेंगे तो ये वाली साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये वाली साइड जो है वो साइड में चली जाएगी 1/4 टर्न करने पर, और अगेन जब हाफ टर्न करेंगे तो सेम ऐसी की ऐसी इमेज यहां पर फॉर्म होगी. नाउ विच ऑफ द अबाउ शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4, विच शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन हाफ टर्न. इसमें से आपको बताना है कौन सी शेप्स 1/4 पे एक जैसी लगेगी और हाफ पे एक जैसी नहीं लगेगी. दैट यू हैव टू आंसर इट. विच फैन विल लुक द सेम ऑन ए 1/3. अब जब 1/3 हम लोग कर रहे हैं तो सी देखो ये कितने फैन के कितने ब्लेड है, 1, 2 एंड 3. जब थ्री साइडेड कोई भी फिगर होता है जैसे कि ट्राइंगल है या ये फैन के ब्लेड्स है तो वो 1/3 करने पर भी सेम लगेंगे, पर अगर उसके कलर तीनों के सेम होंगे तो ये क्योंकि इसके तीनों के कलर सेम है तो इट विल लुक द सेम, पर क्योंकि इसका कलर यहां पर एक डिफरेंट है तो इट विल नॉट लुक द सेम. नाउ ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न. अब ये एक शेप है, इसको यहां पर 1/3 में ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से दिखेगी. तो मैंने आपको क्या बताया, जब शेप ट्राइंगल है या थ्री साइडेड कोई फिगर है तो अगर उसको 1/3 में टर्न करेंगे तो इट विल लुक एग्जैक्टली सेम. तो ये शेप बिल्कुल ही इसके जैसी दिखेगी. नाउ 1/6 टर्न.
कैन यू सी दैट दिस शेप लुक्स द सेम ऑन 1/6 टर्न. देखो अब जैसे जो रूल इसमें अप्लाई होता है 1/3 के लिए थ्री साइडेड फिगर होनी चाहिए, तो 1/6 के लिए सिक्स साइडेड फिगर होनी चाहिए, तो वो लुक एक जैसी ही दिखेगी 1/6 टर्न करने पर. ये शेप जो है दिस विल लुक एग्जैक्टली व्हेन इट विल बी टर्न इनटू 1/6. जब 1/6 में इसको टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली दिखेगी. ये स्टार्स भी हम लोग काउंट करें, सी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 स्टार्स है. तो जब हम इसको 1/6 टर्न देंगे तो ये एग्जैक्टली सेम दिखेंगे. नाउ हियर इट इज अ प्रैक्टिस टाइम. लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न. सी इग्नोर दिस, ये मुझसे ड्रॉइंग ठीक से नहीं बनी इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरह से प्लेन शेप पे बनाया है. जब हम इसको 1/3 टर्न देंगे, 1/3 मतलब थोड़ा सा यू टिल्ट करने पर ये एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा. 1/3 प्लस 1/3 इज 1/6, यानी जब इसको पूरा यू कर देंगे 1/6 टर्न तो ये ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा. तो 1/3 पे तो ये चीज बिल्कुल सेम दिख रही थी. जब हमने इसको 1/3 टर्न दिया, 1/3 मतलब थोड़ा सा टिल्ट किया तो ये सेम दिख रही थी, लेकिन जब इसको 1/6 टर्न देंगे तो ये पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा, ये ट्राइंगल ऊपर का शेप इसका नीचे आ जाएगा. सो यहां पर तो ये सेम दिखेगा लेकिन यहां पर ये अपसाइड डाउन हो जाएगा. ये 1/3 पे इस वाले का अगर हम करेंगे, क्योंकि इसकी सारी पैटर्न एक जैसी है तो ये सेम ही दिखेगा इसका फिगर, और 1/6 करने पर भी इसका फिगर सेम दिखेगा. सिमिलरली ये स्टार है, इस स्टार को भी जब हम 1/3 टर्न देंगे, लुक हियर, ये स्टार को जब 1/3 टर्न देंगे तो भी ये एक जैसा दिखेगा, और जब हम इसको 1/6 टर्न देंगे तो भी ये एक जैसा दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट को कलर किया हुआ नहीं है. ऑल पार्ट्स आर इक्वली व्हाइट इन कलर. अंडरस्टूड? जब इसमें एक भी पार्ट कलर किया हुआ नहीं है तो ये दोनों टाइम 1/3 और 1/6 में सेम दिखेगा. नाउ द नेक्स्ट डिजाइन इज समथिंग लाइक दिस. कुछ ये डिजाइन ये इस तरह से दिख रही है. कैन यू सी? यस. तो जब हम इसको 1/3 देंगे, सी जब हम इसको 1/3 यानी थोड़ा सा यू टिल्ट करेंगे तो ये ऐसे ही दिखेगी, पर अगर हम इसको 1/6 यानी कि पूरा अपसाइड डाउन कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी. सो 1/3 पे तो ये सेम ही रहेगी लेकिन 1/6 पे थोड़ा ये टिल्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से अपसाइड डाउन हो जाएगी पूरी. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पेज, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर्स लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, मार्क देम राइट. 1/3 करने पर कौन सी शेप सेम दिखेगी उसको टिक करना है. विच आर द वंस दैट विल नॉट लुक सेम आफ्टर 1/3, मार्क देम रॉन्ग. अब जो एक जैसी दिखेगी उस पर हमको टिक करना है, जो एक जैसी नहीं दिखेगी उसको रॉन्ग करना है. तो सी इसमें तो अलग अलग कलर्स है, इसीलिए हम इसको टिल्ट करेंगे तो ये कलर ऊपर आ जाएगा, ये कलर नीचे चला जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग. नाउ सेकेंड फिगर सी, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सेकेंड फिगर ड्रॉ किया है. जब हम इसको, क्योंकि यहां पर ये कलर डिफरेंट है, ये कलर सी बाकी सब सेम है और ये कलर डिफरेंट है, तो इसको 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसकी प्लेस ले लेगा, ये वाला इसकी प्लेस ले लेगा, तो ये एक जैसा नहीं दिखेगा. अगर ये सारे कलर्स एक जैसे होते तो ये 1/3 टिल्ट करने पर भी सेम दिखता, बट एक कलर डिफरेंट है इसीलिए ये सेम नहीं दिखेगा. नाउ दिस सी, ये वाला भी अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो इट विल नॉट लुक द सेम, क्योंकि इसकी शेप्स डिफरेंट है. दिस इमेज विल लुक द सेम, क्योंकि ये इक्वली है, पूरा इक्वल है. सेंटर पे डार्क ब्लू है, उससे फिर थोड़ा लाइट एंड देन लाइट ब्लू, तो ये टिल्ट करने पर सेम दिखेगा. दिस वन विल ऑल्सो लुक द सेम अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे. मैंने आपको ट्राइंगल पहले भी टिल्ट करके दिखाया था. नाउ द नेक्स्ट फिगर इज समथिंग लाइक दिस. अगर ये मैंने पहले भी दिखाई, अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे 1/3 जितना तो ये सेम रहेगा, लेकिन अगर आप इसको 1/6 टर्न करोगे तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा. सो 1/3 टिल्ट करने पर ये वाला फिगर सेम ही रहेगा.
नाउ नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पर देखो आप इसको भी टर्न करोगे तो वन थर्ड सेम रहेगा, इसको इसका जब चक्कर घूमेगा तो ये वन थर्ड सेम ही रहेगा क्योंकि एवरीथिंग इज सेम इन कलर, आपने देखा ये सब एक जैसे कलर के हैं. नाउ ट्राई एंड चेंज द शेप्स बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन वन थर्ड टर्न. अब हम क्या करेंगे ये फिगर्स में, ऐसा क्या करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस लाएंगे तो ये एक जैसे ही दिखेंगे. सो फर्स्ट वन में अगर हम ये ब्लू डॉट को हटा देंगे तो ये एक जैसा ही दिखेगा. सेकेंड फिगर में अगर हम लोग इस ये जो डॉट्स दिए हुए हैं उनको सबको सेम कलर करेंगे, अगर जो सबका कलर एक जैसा करेंगे तो ये एक जैसे ही दिखेंगे. हियर ऑल्सो इन थर्ड वन अगर हम ये ब्लेड, ये दो ब्लेड जो कलर चेंज है उनको दोनों को ऑरेंज कर देंगे तो इसको वन थर्ड में जब हम टर्न करेंगे तो ये एक जैसे ही दिखेंगे. हियर आप देख सकते हो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का साइज में डिफरेंट है, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है. तो अगर इन तीनों का हम लोग साइज इक्वल कर देंगे तो वन थर्ड पे ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा. सारे सिक्स ये वाला हम लोग इसको भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको भी एक ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं. जब इसका साइज और कलर हम सेम करेंगे तो ये वन थर्ड पे इक्वल होगा जैसे मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया. हियर नाउ अगर ये डॉट येलो जो है उसको सेंटर में ले लेंगे, अगर हम यहाँ बीच में सेंटर में ले लेंगे तो ये वाला पिक्चर भी सिमिलर दिखेगा. अंडरस्टूड नाउ विद दिस योर लेसन इज कम्प्लीटेड. वॉज इट अ फन टू डू दिस लेसन? यस. नाउ डू दिस एक्टिविटीज एट योर होम एंड ट्राई टू make it one third turn, one sixth turn, half turn and one fourth turn. Thank you.